तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे। खबर उड़गी से है, जहां बनगंवा में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विकास के नाम पर लोग मूलभूत सुविधाओं में आने वाली चीजों से कोसों दूर है। वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के साथ साथ स्वच्छ पेयजल भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जंगलों में दो पहाड़ों के बीच बहती जीवनदायिनी नदी के पानी का इस्तेमाल ग्रामीण कृषि कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि पेयजल के रूप में भी करते हैं। गौरतलब है कि बनगंवा में आने जाने के लिए सड़क नहीं है, नदी में पुलिया नहीं है और मासूम बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। ऐसे में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी ने दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर रोड, पुलिया और प्राथमिक विद्यालय की मांग की। ये लगभग 70 से 80 वर्षों पूर्व से बसा हुआ गांव है, लेकिन इस गांव में आज भी मूलभूत सुविधा नहीं है। लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा का किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से इनका जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है छतरंग, यहाँ से 15 किलोमीटर है और यहाँ से इनका जो मुख्य मार्ग है ये पुराना बनगांव से करीब 4 से 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर इनको